भेड़ और बकरी पालन जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी का अहम हिस्सा रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी को कुदरत ने बेहतरीन वसाइल या रिसोर्सेज से नवाजा है, जिसमें ऊन या वूल भी शामिल है। लेकिन नाकिस मार्केट लिंकेज और प्रोसेसिंग की वजह से इस शोबे से जुड़े किसान इस सनत का असल फायदा नहीं ले पाते। जम्मू कश्मीर में ऊन का शोबा ज्यादातर अनऑर्गेनाइज जुमरे में आता है, जबकि ये शोबा सालाना जीडीपी में 135 करोड़ रुपए जोड़ने की कुव्वत रखता है। इस शोबे की बेहतरी और इससे जुड़े किसानों की आय में इजाफा करने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कई इकदाम सुझाए गए हैं, जिनमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स का कयाम, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज या रिवायती इल्म और तरीकों को महफूज रखना और उम्मीदवार किसानों को सही तरबियत देना शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 सालों में 40 एफपीओस कायम होंगी, जिनका मकसद ऊन की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग वगैरह को प्रोत्साहन देना है। ऊन और पेल्ट की प्रोसेसिंग के लिए 20 कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में 30 शेयरिंग और बॉलिंग मोबाइल यूनिट्स भी कायम होंगे। इन कदमों से जम्मू कश्मीर के ऊन के शोबे में काफी बेहतरी आने का इम्कान है। इस प्रोजेक्ट से अगले 5 सालों में किसानों को कई फायदे होने की उम्मीद है। जैसे इस प्रोजेक्ट में माली इमदाद देके 40 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कायम होंगी, जिनका डायरेक्ट फायदा एफपीओ से जुड़े किसानों को होगा। इस प्रोजेक्ट में 30 शेयरिंग और बॉलिंग मोबाइल यूनिट्स भी कायम होंगे, जिससे किसानों को मुफ्त सर्विसेज दी